खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर काले रंग के मोटरसाइकिल पर दोनों तरफ प्लास्टिक की कुप्पियों को लटकाकर अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी राम कुमार रघुवंशी ने बताया कि आरोपी लखन पिता अमर सिंह तंवर उम्र 24 वर्ष निवासी कायरी थाना छापी हेड़ा मोटरसाइकिल पर दोनों तरफ लटकी कुप्पियों को चेक करने पर हाथ भट्टी की कच्ची शराब होना पाया, जिसके संबंध में अनुज्ञा पत्र चाहने पर नहीं होना बताया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हाथ भट्टी की कुल 60 लीटर शराब कीमती 6,000 रुपए जब्त की है। इसके साथ ही मोटरसाइकिल होंडा शाइन भी जब्त की। आरोपी ने बताया कि घटना में प्रयुक्त बिना नंबर की होंडा शाइन मोटरसाइकिल आज से करीबन 1 महीने पूर्व जीरापुर से चोरी की थी एवं एक अन्य मोटरसाइकिल दिनांक 18 फरवरी 2020 को बस स्टैंड माचलपुर के पास से चुरा कर अपने कुएं पर छिपा कर रखी थी, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। ये मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति देसी हाथ भट्टी से बनी हुई कच्ची शराब का अवैध रूप से परिवहन कर रहा है। इस सूचना पर टीम बनाकर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया और भगोरा तरफ जाने की सूचना प्राप्त हुई थी कि वो भगोरा तरफ अवैध शराब लेकर के बेचने के लिए जा रहा है। टीम के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें एक व्यक्ति बिना नंबर की सीवी साइन होंडा काले रंग की गाड़ी के साथ अवैध रूप से कच्ची शराब 60 लीटर परिवहन करते हुए पाया गया और उससे पूछताछ की गई तो जो मोटरसाइकिल उसने घटना में प्रयुक्त की है वो उसने कुछ दिन पूर्व जीरापुर से चोरी करना बताया। हर हाट के दिन यहाँ पर चोरी हो रही है, क्या उसमें भी उसने कुछ हाँ भरा है कि क्या? बाद में पकड़ने के बाद इससे पूछताछ की गई तो करीब 15 दिन पहले माचलपुर से एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी हीरो होंडा और उसको चोरी करना इसके द्वारा कबूला गया है और इसकी निशानदेही के ऊपर वह मोटरसाइकिल इसके गांव से कायरी से जब्त की गई है। एक महिला की चेन छीनी गई थी, क्या उसमें भी इसका हाथ है? नहीं, उसमें नहीं है, उसमें कार्रवाई चल रही है, जैसे ही सफलता प्राप्त होगी तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। माचलपुर से घनश्याम गुर्जर की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।